नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लीवर के बारे में। लीवर जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और शरीर के अन्य बहुत सारे अंगों को ये सपोर्ट करता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है, जो कि हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। तो ये इतना मजबूत अंग होता है कि इसमें कई तरह के हम लोग जब उसमें अत्याचार भी कर लेते हैं तो भी ये हमारा साथ देता रहता है। और इसमें जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तब स्थितियां जो होती हैं वो लीवर ट्रांसप्लांट तक जाती हैं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो लीवर की जो महत्वपूर्ण बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है, वो है लीवर सिरोसिस। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट तक वो कंडीशंस कैसे जाती हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर और प्रदेश के जाने माने लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर कुरसागर सिंह सहोता। तो डॉक्टर साहब अभी वर्तमान में बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और इसके पूर्व में आपने अनेक संस्थानों में सेवाएं दी हैं। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल करीब 450 लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज में डॉक्टर साहब का योगदान रहा है। और बंसल में भी आप लगातार लीवर ट्रांसप्लांट को अंजाम दे रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। और बहुत मैं आभारी हूँ हेल्थ फॉर नाइट का कि आपने लीवर को लेके एक वीडियो बनाने का जो निर्णय लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम सभी आम जनता को, कॉमन पीपल को ये चीज़ें अवेयर कर पाएँ कि कैसे हम लीवर का ध्यान रख सकते हैं और कैसे इनकी बीमारियों को हम डील कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो लीवर है जी, ये एग्जैक्टली है क्या और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ताकि हमारे आम दर्शक समझ सकें लीवर के बारे में। लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का। हमें सभी को पता है कि लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम इसकी डिटेल नहीं जानते हैं, क्योंकि लीवर साइलेंटली अपना काम कर रहा होता है। लीवर एक अच्छा फैक्ट जो है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। और लीवर 500 से ज़्यादा फंक्शंस लगातार कर रहा है बॉडी में। और लीवर हमारी बॉडी में राइट पेट में, राइट साइड में, ऊपर की हिस्से में स्थित होता है। और इसके 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन का, कि जो हम खा रहे हैं, हम जो इंटेस्टाइन से खाना जा रहा है उसको डाइजेस्ट करना, उसको बॉडी में सभी ऑर्गन्स तक फूड को पहुँचाना और बॉडी को एनर्जी देना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं लीवर के। इन्हीं फंक्शंस के कारण ही लीवर को पावर हाउस भी बोला जाता है हमारी बॉडी के लिए। जैसे हमारे पास इस रूम में पावर है, हमारे घर में पावर का सप्लाई है एनर्जी का, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सप्लाई लीवर से आ रही है। लीवर हमारी बॉडी का पावर हाउस है। इन चीज़ों के अलावा और महत्वपूर्ण काम लीवर करता है कि जो हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं अपने शरीर में, जो कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, उनको बॉडी से निकालने का काम भी लीवर करता है मोशंस के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी लीवर और बहुत सारे काम फंक्शंस कर रहा है, जिनको हम इस वक्त नहीं सबको यूज़ कर सकते, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट फंक्शंस को हम बिल्कुल दिमाग में रख सकते हैं। तो सर, आपने बताया कि लीवर जो है हमारे शरीर का पावर हाउस है। तो दर्शकों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पावर हाउस में समस्याएँ आती हैं तो सब पूरे सभी तरफ गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट होने लगता है तो सारे अंग गड़बड़ाने लगते हैं जी। तो ये पावर हाउस में सर किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं जो आती हैं, जो आगे जाकर के गंभीर बन जाती जी, क्या कारण भी, सबसे पहले हम कारण जानना चाहेंगे। कारण जी जी, तो लीवर में जो समस्याएं होती हैं, इनमें सबसे जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है लीवर सिरोसिस, जो कि सबसे ड्रेडेड प्रॉब्लम है लीवर के साथ होने वाली। लीवर के साथ और भी समस्याएं होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो गया, या कुछ छोटे टाइम के लिए लीवर पे इन्फेक्शन हो गई, जो सभी को बचपन में एक आध बार जॉन्डिस हो जाता है, वो कुछ टाइम में रिकवर कर जाता है। वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी कि ख़तरनाक होती है लीवर सिरोसिस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एक टर्म है जिसमें लीवर पे परमानेंट डैमेज होता है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लीवर बहुत ही फॉरगिविंग ऑर्गन है। लीवर एक ऐसा अंग है जो आपको बार बार बख्शता है, फॉरगिव करता है, कि हम किसी भी तरह से अगर लीवर डैमेज कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए या कोई इन्फेक्शन के ज़रिए, तो लीवर उनको रेगुलर फाइट कर रहा है और अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन जब ये लीवर डैमेज इस हद तक बढ़ जाता है कि लीवर उसको रिकवर नहीं कर पाता, तब लीवर सिरोसिस बन जाता है, जो कि परमानेंट स्थिति है, परमानेंट डैमेज है। और उसके बारे में ही हम आज चर्चा कर रहे हैं कि उसके कारण क्या है,
तो अगर हम कारण देखें कि लिवर सिरोसिस के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है, उसमें सबसे मुख्य कारण है हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दो वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि प्रमुख कारण है लिवर सिरोसिस का। ये वायरल इन्फेक्शंस जब बॉडी किसी बॉडी फ्लूइड्स किसी और पेशेंट के या किसी और अन्य व्यक्ति के जो बॉडी फ्लूइड जो कि संक्रमित हैं, जिनमें ये वायरस इन्फेक्शन प्रेजेंट है, अगर उसके संपर्क में आते हैं, तब चल के चीज़ें ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जा सकती हैं। तो इस वायरस के इन्फेक्शन जो हैं, अगर लिवर फाइट नहीं कर पाता है तो सालों साल बॉडी में रहती हैं, लिवर डैमेज करती हैं और लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण है अल्कोहल ड्रिंक करना। जो लोग रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं या किसी भी तरह से अल्कोहल का सेवन रेगुलर मदिरापान रेगुलर तरीके से कर रहे हैं, उनका लिवर एक दिन चल के लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होना है। ये माना गया है कि अगर 6 महीने तक भी कोई इंसान हैवी ड्रिंक करे और नियमित रूप से करे तो उनका लिवर सिरोसिस हो सकता है विद इन 6 मंथ्स। लेकिन हाँ, अगर सालों साल कर रहे हैं तो लिवर सिरोसिस बनना स्वाभाविक है। तीसरा मुख्य कारण है फैटी लिवर और फैटी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये आने वाले टाइम में ये बीमारियाँ बहुत बढ़ के आ रही हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। हमारा लाइफस्टाइल मतलब कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा फूड क्या है, जंक फूड कितना है, हेल्दी फूड कितना है, हमारे एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं दिनचर्या में। तो अगर ये चीज़ें हमारे लिवर पे फैट बढ़ा रही हैं, फैटी लिवर बन रहा है, तो ये भी आगे चल के लिवर सिरोसिस का कारण बनेगा। ये 3 मुख्य कारण है लिवर सिरोसिस के। उसके बाद कुछ अन्य कारण आते हैं, जैसे ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़, मतलब कि बॉडी के अपने इम्यून सेल्स लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हेरिडिटरी कॉजेज़ हैं जो हमारे फैमिलीज में चलते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ हैं जो कि बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, विल्सन डिजीज़ है, ये सब चीज़ें अर्ली एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं जी। तो सर, आपने लिवर में होने वाली बीमारियों के बारे में बता दिया। अब बात आती है कि जो लिवर है, आप जैसा बता रहे हैं पावर हाउस होता है, बहुत हद तक कोशिश करता है कि वो बाउंस बैक करे जी, और तरह तरह के टॉर्चर्स वो सह लेता है, लेकिन जब एक सीमा आती है वो खराब हो जाता है जी। तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जब आप उसको खराब मान लेते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत को महसूस किया जाता है जी? तो लिवर सिरोसिस जब बीमारी बन जाती है तो सबसे ज़रूरी होता है इसको डायग्नोज करना, इसके सिम्टम्स को देखना और इसके कारण बाकी अंगों पे क्या असर आ रहा है उनको समझना। तो लिवर सिरोसिस एक कॉमन बीमारी है जो कि बहुत पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस है, लेकिन हम सभी को ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देते हैं। तो इसमें जानना है कि ट्रांसप्लांट कब करना है। इसके लिए ज़रूरी है समझना कि लिवर सिरोसिस के लक्षण क्या हैं। एक्चुअली लिवर सिरोसिस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि नॉर्मल लिवर से धीरे धीरे डैमेज होते होते लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। अगर ये नॉर्मल लिवर है तो ये लिवर सिरोसिस है जो कि लिवर श्रिंक हो जाता है, लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और जो डैमेज परमानेंट होता है। तो जब लिवर सिरोसिस बनता है तो कई बार तो लिवर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता रहता है, इस चीज़ को कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं। जब लिवर सिरोसिस होने की वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उसको डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। तो इसके लक्षण शुरुआती लक्षण होते हैं कि इंसान को भूख नहीं लगती, उसको थकान रहती है, उसको लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो ये सब चीज़ें कुछ महीनों तक चलती हैं, तब पेशेंट्स यूजली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि हाँ शायद हमारा दिनचर्या कुछ ऐसी है कि ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ती हैं सेकेंड स्टेज में, फिर लिवर सिरोसिस के लक्षण हमें दिखने लगते हैं, जैसे जॉन्डिस होना, पीलिया होना। पीलिया एक लक्षण है कि लिवर पे डैमेज आ रहा है। पेट में पानी बनना, पैरों पे स्वेलिंग आना, ये सब बहुत ही ऐसे सिम्टम्स हैं जो लिवर प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। खून की उल्टी होना, मल में खून आना, काले रंग का मल होना, ये सब बता रहे हैं कि अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है लिवर के फंक्शन ना करने के कारण। जब ये चीज़ें हो रही हैं तब लिवर सिरोसिस डीकम्पेंसेट कर चुका है, मतलब इन कंडीशंस में हमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ रही है। और इसके अलावा क्या है कि अगर बाकी अंगों पे असर आने लगता है, थर्ड स्टेज में ये है कि ब्रेन पे असर आता है, इंसान बातें भूलने लगता है, दिन में ज़्यादा नींद आती है, रात में नींद नहीं आती है और कई बार इंसान इधर उधर की बातें करता है, या फेफड़ों पे असर आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, किडनीज़ पे असर आते हैं, यूरिन कम बनता है, मतलब तब लिवर के कारण बाकी अंगों पे असर आ रहा है। इस सिनेरियो में ट्रांसप्लांट आवश्यक हो जाता है जी। तो सर, अब हम पहुंच गए हैं ट्रांसप्लांट के तक।
अब बात आती है कि ट्रांसप्लांट के लिए जरूरत पड़ती है लीवर की जी, और स्वस्थ लीवर की जरूरत पड़ती है, तो ये लीवर कहाँ से सोर्स किया जाता है, तो कैसे सोर्स किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांट तो करना है लेकिन लीवर का स्रोत क्या है। इसमें सबसे ज़रूरी जो दो स्रोत हम मानते हैं वो है कैडावेरिक लीवर ट्रांसप्लांट या ब्रेन डेड लीवर ट्रांसप्लांट, दूसरा है लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। तो जो कैडावेरिक या ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट है, ये समझना चाहिए हमें इस टर्म को, इसका मतलब है कि अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जिसको ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन डेथ मतलब कि ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है जो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो अंग हैं शरीर के वो काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर उस पेशेंट की फैमिली अपने पेशेंट के अंग दान करने के लिए राज़ी होती है, तैयार होती है, तो हम उनके लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स ले सकते हैं और इस ऐसे स्रोत को, इस सोर्स को कैडावेरिक या ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट का टर्म दिया जाता है। उन पेशेंट्स को जो वेट लिस्ट में होते हैं, जिनको ऑर्गन रिक्वायरमेंट है, उनको ये ऑर्गन्स दिए जा सकते हैं। इस कैडावेरिक डोनेशन में कोई एज लिमिट नहीं होती, इसमें कितना भी छोटा बच्चा हो या कितना भी बूढ़ा इंसान हो, अगर वो ब्रेन डेड है उनके ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं और ये बिल्कुल लीगल है। इसके लिए अभी इस मार्च में एक मन की बात एपिसोड था प्रधानमंत्री जी का, उसमें उन्होंने ऑर्गन डोनेशन को लेके, कैडावेरिक डोनेशन को लेके काफ़ी चर्चा भी की है, और उसमें उन्होंने 39 दिनों की एक बच्ची जो पंजाब की थी, उनके माता पिता ने जब वो ब्रेन डेड हो गई किसी कारण से, उनके ऑर्गन्स डोनेट किए गए, उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो ये बहुत मोटिवेटिंग स्टोरीज़ हैं, हमें इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हाँ, हमें भी अपने ऑर्गन्स को प्लेज करना चाहिए अपनी मृत्यु के बाद। तो ये एक बड़ा स्रोत है। दूसरा सोर्स है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, मतलब कि घर से कोई अपने लिवर का हिस्सा डोनेट करे, फैमिली मेम्बर। तो जो पेशेंट है उनके फैमिली मेम्बर्स अगर हेल्दी हैं और लिवर डोनेशन के लिए रेडी हैं, तो वो अपने लिवर का एक हिस्सा अंग दान कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिवर बॉडी में एक ही ऑर्गन है, हम जानते हैं कि किडनीज दो होती हैं, एक किडनी हम डोनेट कर सकते हैं और उसको किडनी, लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, लेकिन लिवर बॉडी में एक ही है। तो एक लिवर जो है उसका हम करीब 60-70% हिस्सा डोनेट कर सकते हैं, और लिवर ही एकमात्र अंग है बॉडी में जो दोबारा ग्रो कर जाता है। अगर लिवर का 30-40% हिस्सा भी बॉडी में बचता है, वो आने वाले कुछ समय में पूरा ग्रो कर जाता है। तो इस प्रक्रिया को लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें हम लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। और डोनर कौन हो सकता है लिविंग डोनर के केस में? तो लिविंग डोनर्स, अगर जो भी पेशेंट हैं लिवर सिरोसिस के, उनके फैमिली मेम्बर्स ही डोनेट कर सकते हैं, भले वो भाई बहन हो, वाइफ हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, या इवन दूर के रिलेटिव्स हों, वो भी अपने लिवर का एक हिस्सा अपने पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं। जितने भी दूर के फैमिली मेम्बर्स हों, अगर आपका रिश्ता उनसे ऑन पेपर प्रूव किया जा सकता है, तो वो अंगदान कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट होती है कि डोनर 18 साल से ऊपर होने चाहिए, 55 साल से कम होने चाहिए। तो पहली बात है कि फैमिली से हो, एज लिमिट 18 से 55 हो, और डोनर्स को कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबे समय से चलने वाली बीमारियां नहीं होनी चाहिए। चौथा होता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग। यूजली हम इसमें ब्लड ग्रुप मैच करते हैं कि जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है, या तो डोनर का ब्लड ग्रुप सेम हो या फिर डोनर का ब्लड ग्रुप ओ हो। अगर पेशेंट ओ पॉजिटिव है तो उनको सिर्फ ओ पॉजिटिव डोनर चाहिए, अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उनको ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव डोनर हो सकते हैं, बी पॉजिटिव पेशेंट के लिए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव डोनर हो सकते हैं, अगर पेशेंट ए बी पॉजिटिव है तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, उनको कोई भी ब्लड ग्रुप का डोनर लिवर डोनेट कर सकता है। तो ये दो मेन लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, ये दो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से लिवर मिल सकता है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये बता दिया कि लिवर की जब बात आती है और लिवर चाहिए होता है तो कहाँ कहाँ से और किस तरह से सोर्स किया जा सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है जी, और कौन लोग उसको डोनेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं जी। आपने मैचिंग भी बता दी कि किस तरह से मैचिंग होती है जी। अब हम चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ, क्योंकि सारा कुछ वही होना है। तो ये जो ऑपरेशन थिएटर में जाकर के जब सर्जरी शुरू होती है तो क्या कुछ होता है इसके अंदर, क्योंकि दर्शक लोगों को सिर्फ हम विजुअली
दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट कैसे कंडक्ट होता है, वो क्योंकि आप खुद करते हैं तो आप बता पाएंगे। जी, सब एक्शन ऑपरेशन में ही होता है, ये हमारा बैटल फील्ड है। तो जो ऑपरेशन होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ब्रेन डेड लिवर ट्रांसप्लांट होता है, कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट, इसमें पहले कैडावर के ऑपरेशन शुरू किया जाता है, उनके ऑर्गन्स अगर हेल्दी हैं तो हम प्रोसीड करते हैं और उनका जो लिवर है वो निकालने के लिए रेडी किया जाता है। तो इस बीच रेसिपिएंट की सर्जरी शुरू हो जाती है पेशेंट की, उनका भी जो लिवर सिरोसिस बन चुका है उस लिवर सिरोसिस को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, क्योंकि लिवर सिरोसिस बनने के कारण बहुत सी नसें फूल जाती हैं, पेट में पानी होता है और ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो वो रेसिपिएंट सर्जरी भी शुरू हो जाती है। जब रेसिपिएंट का लिवर निकल जाता है तो इधर डोनर का लिवर रेडी हो जाता है, तो हम डोनर का लिवर रेडी करते हैं अंदर लगाने के लिए। तो रेसिपिएंट में उसकी खून की नसें जोड़ना, पित्त की नली जोड़ना, ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये ऑपरेशन पेशेंट के लिए करीब 8 से 10 घंटे का होता है मिनिमम, जो कि 15 से 16 घंटे तक भी जा सकता है। अगर हम लिविंग डोनर ऑपरेशन की बात करें तो उसमें पहले लिविंग डोनर का ऑपरेशन शुरू होता है, उनका जो लिवर है वो देखा जाता है, उसको रेडी किया जाता है, लिवर का एक हिस्सा जो लेना है उसको डिवाइड किया जाता है। अगर बच्चों के केस में हम डोनेशन करा रहे हैं कि बच्चों के लिए दिया जा रहा है, तो जो पेरेंट्स डोनेट कर रहे हैं उनके लिवर का ये करीब 25% हिस्सा ये रेडी करना पड़ता है, तो उसकी नसें रेडी करनी होती हैं, तो ये ऑपरेशन पहले किया जाता है। जब ये लिवर रेडी हो जाता है निकालने के लिए, तब रेसिपिएंट का लिवर निकाला जाता है और इस लिवर को उनकी बॉडी में लगाया जाता है। सर, एक चीज यहाँ जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि बच्चे के केस में 25% लिवर की जरूरत होती है, लेकिन क्या यही सीन बड़े के लिए भी रहता है या इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है? जी, बड़ों में यूजली लिवर का 60-70% हिस्सा हम लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लिवर का बनतर एक ही है, लेकिन अंदरूनी हिस्से में इसको हम लेफ्ट और राइट दो लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यूजली हम एडल्ट अगर पेशेंट है तो उसके केस में डोनर का राइट लोब लेते हैं, जो कि करीब 60-70% हिस्सा होता है, और बच्चों के केस में रिक्वायरमेंट क्योंकि कम होती है तो उनके केस में 25-30% हम लेफ्ट लोब या लेफ्ट लैटरल लोब का हिस्सा लेते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, अब सर्जरी के बाद अब हम बाहर आते हैं जी, तो अब सारी समस्याएं या सारा कुछ जो है अब पेशेंट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अब उसकी सर्जरी हो गई है, लिवर नया लग गया है, तो अब इसके बाद जो स्थितियां बनती हैं तो क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या वो नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, थोड़ा उस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस एक लंबे समय से चलने वाली बीमारी है, तो इस बीमारी के चलते सिर्फ लिवर ही नहीं बाकी अंगों पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्रॉनिक चेंजेस रहती हैं जिनको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो तुरंत ऑपरेशन के बाद पेशेंट नॉर्मल नहीं होता, उसमें कुछ रिकवरी प्रोसेस रहता है। अगर हम पेशेंट की बात करें तो उसमें पेशेंट वेंटिलेटर पे आता है, आईसीयू में 1 से 2 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है। दूसरे तीसरे दिन से पेशेंट का खाना पीना शुरू होता है और पेशेंट वॉक करना शुरू कर देता है। 7वें दिन तक हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, 7वें दिन के बाद इन्फेक्शंस के लिए थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ता है, और 2 हफ्ते बीतने के बाद पेशेंट को हम करीब 16 से 18 दिन में डिस्चार्ज के लिए रेडी कर लेते हैं और पेशेंट मैक्सिमम 20 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जो रिकवरी प्रोसेस रहता है ट्रांसप्लांट के बाद। और 20 दिन के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो पेशेंट को हम कहते हैं कि 3 महीने तक आपको घर में रहना है, इन्फेक्शन से बच के रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिससे इम्यूनिटी लो रहती है। 3 महीने के बाद अगर सब टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, दवाइयाँ की डोज कम हो गई हैं, तो हम पेशेंट को अपनी नॉर्मल लाइफ में भेज देते हैं। तो जो डोनर की अगर बात करें, डोनर अगर ऑपरेशन के बाद आते हैं आईसीयू में तो वो वेंटिलेटर से बाहर निकल चुके होते हैं और दूसरे दिन उनका खाना पीना शुरू हो जाता है, 3रे दिन से वो वॉक करना शुरू कर देते हैं और डोनर जो है वो 7वें दिन तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। लिवर जो है उनका डोनर्स का करीब 2 से 3 हफ्ते में 80% तक बन जाता है और 3 महीने तक 100% रिकवर कर जाता है। तो ये प्रक्रिया 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद डोनर्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डोनर्स को 3 महीने तक
बहुत प्रिकॉशन लेना है। डोनर्स 3 हफ्ते में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लिवर धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, जो कि उनको पता भी नहीं चलता। तो सर, ये जो आपने बताया, आपने रेसिपिएंट के बारे में भी बताया और डोनर्स के बारे में भी बताया, और 2 से 3 महीने के टाइम में आपने बताया कि लाइफ पूरी तरह से उनकी नॉर्मल हो जाती है। जी। तो कई लोगों के दिमाग में जिज्ञासा होती है, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी हुई होती है, सपोज कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई ऐसा है जिसको बहुत अग्रेसिव काम करने होते हैं या वजन उठाने के भी काम होते हैं, तो क्या वो लोग भी 3 महीने में उतने ही फिट हो जाते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि क्योंकि चीरा लगा के ऑपरेशन होता है और उससे लिवर निकाला जाता है, तो डोनर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी जो पहले के 3 महीने हैं उसमें रिकवरी चलती रहती है। तो जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, रिकवरी 100% कंप्लीट हो जाती है, तो डोनर और पेशेंट जो भी स्पोर्ट्समैन हैं या भारी वज़न उठाने का काम करते हैं, वो नॉर्मल उस अपनी रूटीन में जा सकते हैं। हम 3 महीने तक पेशेंट्स को और डोनर्स को 5 किलो तक वज़न उठाने से मना करते हैं, ताकि उनके रिकवरी पे कोई असर ना आए और उनकी रिकवरी, मसल्स की इवन रिकवरी, जो पेट के मसल्स हैं उनकी प्रॉपर रिकवरी हो सके। जी, तो सर ये इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डर रहता है कि हम अगर हमारा ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर लिवर डोनेट कर रहे हैं, तो डोनर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जी, कि इसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज तो नहीं होगी मेरे जीवन में जी। तो इसके बारे में थोड़ा आप स्पष्ट करें कि क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है या उसके साथ कुछ आगे समस्याएं आ सकती हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि डोनर्स के मन में बिल्कुल ये डर रहता है कि क्या हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इस सर्जरी के बाद। तो डोनर्स के लिए और पेशेंट के लिए जो जो रिस्क हैं और जो बेनिफिट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डोनर्स की बात करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो अपने प्रियजनों की, जो पेशेंट हैं, जो उनके डियर नियर एंड डियर वंस हैं, उनको नई ज़िंदगी दे रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए नहीं हो सकती। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए है। जो रिस्क हैं डोनेशन सर्जरी में, वो बहुत ही नामात्र रिस्क हैं। ये डोनेशन सर्जरी नियरली 100% सेफ है, इसमें 99.9 to 99.5% कोई रिस्क नहीं है, कोई लाइफ का रिस्क नहीं है। लाइफ का रिस्क 0.1 to 0.5% है, लेकिन ये बहुत ही रेयर रिस्क है कि हाँ इसमें जान का खतरा बहुत नामात्र है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस हार्डली 5% पेशेंट में होती हैं, 95% पेशेंट्स डोनर्स को ये कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं सामने आती। तो 95% डोनर्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन 5% डोनर्स को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ब्लीडिंग होना, पित्त की नली में प्रॉब्लम होना, जिनको मेडिसिन के ज़रिए, किसी प्रोसीजर के ज़रिए या किसी ऑपरेशन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तो डोनर्स के लिए अगर ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पहले के 7 दिन में ही दिखाई दे जाती हैं, अगर 7 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। कोई खाने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आपको लाइफ लॉन्ग कुछ प्रिकॉशन देनी है, कोई मेडिसिन खानी है, नहीं। लिवर रिकवर कर जाता है, आप अपनी लाइफ में नॉर्मल जा सकते हैं। डोनेशन के बाद भी आप 100% लिवर के साथ जी रहे हैं, ये लिवर ट्रांसप्लांट की ब्यूटी है। डोनेशन की ये सबसे बड़ी खास बात है लिवर के मामले में। अगर पेशेंट की बात करें, पेशेंट के लिए जो ऑपरेशन के बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट यही हैं कि उनको एक नई ज़िंदगी मिल रही है। अगर वो लिवर सिरोसिस के साथ जी रहे हैं, तो लिवर सिरोसिस में 40 से 50% रिस्क है उनको, लाइफ का रिस्क है, लेकिन ये ऑपरेशन में वो एक नई लाइफ में जा रहे हैं और रिस्क भी नामात्र हैं। अगर लिवर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट की बात करें, उनको 10 से 15% लाइफ का रिस्क है, मतलब 10 से 15% जान का खतरा है लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में, लेकिन 85 to 90% सक्सेस रेट भी है, जो कि बहुत अच्छा है, वर्ल्ड ओवर ये सक्सेस रेट है। और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे लिवर में, क्योंकि नसों का ऑपरेशन होते हैं, लिवर की नसों में खून के थक्के जम सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, पित्त की नली की दिक्कत आ सकती है, और लिवर रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि लिवर बॉडी का अपना पार्ट नहीं है, जो नया लिवर मिला है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने की टेंडेंसी रखती है, तो इसके ज़रिए लिवर रिजेक्शन हो सकता है, जिसको मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जा सकता है। मतलब तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिनको हम डील कर सकते, मतलब मैनेजेबल है, मैनेजेबल। सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फेक्शंस, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, तो इन्फेक्शंस कई बार पेशेंट्स को बहुत जानलेवा भी हो जाती हैं, जिनका रिस्क पहले 2 से 3 हफ्तों में सबसे ज़्यादा होता है।
मतलब अगर 3 हफ्ते आपके गुजर गए हैं तो ये कह सकते हैं कि आप सेफ जोन में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो इसकी सर्जरी होती है या ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर होता है, तो सबसे बड़ा बात आती है कॉस्ट। जी जी। और ये कहा जाता है कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ग्लोबली इंडिया को बहुत सस्ता माना जाता है जी, कि वर्ल्ड में सबसे सस्ते लिवर ट्रांसप्लांट अगर कहीं होते हैं तो इंडिया में हो रहे हैं। और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, और सक्सेस रेट अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी मानी जा रही है। 95% का मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था कि इंडिया की सक्सेस रेट है। तो इसमें चूंकि इंडिया में अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बात करें तो इसकी कॉस्ट को कहाँ देखते हैं, कितनी अफोर्डेबिलिटी है इसकी? जी बिल्कुल, लिवर ट्रांसप्लांट में करीब अगर हम मान के चलें कि मिनिमम 18 से 20 लाख तक का खर्चा आता है, और अगर मरीज़ ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा उनका सिक होते हैं ऑपरेशन से पहले, ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो उनका खर्चा 23 से 25 लाख तक भी जा सकता है, जो कि हमारे यहाँ इस सेंटर में ये कॉस्ट है। इस ऑपरेशन में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 18 से 20 लाख खर्चा भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, और हालांकि बाहर के देशों के कंपेरेटिव बहुत सस्ता है, और मेडिकल टूरिज्म भी इसके कारण हो रही है कि बहुत से इंटरनेशनल पेशेंट भी इंडिया में ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। इवन हमारे सेंटर में भी इंटरनेशनल पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट हमने किए हैं। लेकिन एक मिडल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा खर्चा है, उसके लिए कई बार NGOs हैं, गवर्नमेंट फंड्स हैं, वो इसके ज़रिए हेल्प लेके ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या इतना बड़ा खर्चा करें, तो इसमें इससे अगर हम मेडिसिन से काम चलाएं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर आप 18 से 20 लाख खर्च से डर रहे हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप ये ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं और आप लिवर सिरोसिस के साथ जीते हैं तो उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आपको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है, आपको हो सकता है हर 2 महीने में एडमिशन करना पड़े, हर 15 दिन में आप एडमिट हों, मेडिसिन लगें, प्रोसीजर्स लगें, लेकिन उन मेडिसिन के चलते लिवर सिरोसिस ठीक नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उनकी कॉम्प्लिकेशंस को कुछ हद तक डील कर रहे हैं या दवा ले रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है लिवर सिरोसिस की वो कंटिन्यू रहती है। तो आप पैसा भी लगा रहे हैं और लिवर भी आपको नया नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रांसप्लांट में आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें एक कॉस्ट सिंगल टाइम ज़्यादा है, लेकिन आगे की लाइफ के लिए आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। तो सर, इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि NGOs हो सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प मिल सकती है, तो क्या बीमा भी इसमें हेल्प कर सकता है? जी बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनीज आजकल जिनका अच्छा कवर है, 20-30 लाख का कवर जो देती हैं, वो ट्रांसप्लांट भी कवर करती हैं। तो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज लिवर ट्रांसप्लांट कवर करती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस टाइम आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस टाइम आपका लिवर नॉर्मल होना चाहिए, कि हाँ फ्यूचर में चल के अगर लिवर प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अल्कोहल से, ड्रिंक करने से लिवर ख़राब हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती है। तो ठीक है सर, आपने बहुत सारी जानकारी और बहुत डिटेल में हमको लिवर के फंक्शंस के बारे में बताया, लिवर सिरोसिस के बारे में बताया, लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, और सारे जो आप लोगों ने, आपने जो प्रश्न हो सकते हैं किसी भी आम व्यक्ति के दिमाग में, उसको आपने आंसर करने की कोशिश की है। दर्शकों, इसके बावजूद अगर आपको लिवर से जुड़ी हुई कोई जिज्ञासा है, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के फेसबुक का एक पेज लिंक मैं आपने इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूँ, और साथ में आप चाहें तो अपने प्रश्न मेरे इनबॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। जब हम अगली बार डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, आपने समय दिया अपना मेडिकल फॉर्टनाइट में। और हमारा एक चैनल है लिवर गुरु के नाम से, जो कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे है, उसमें हम लिवर से संबंधित जानकारी भी डालते रहते हैं। जिनको और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए वो हमसे लिवर गुरु पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, तो मैं भी वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लिवर के बारे में जानकारी और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से सीधे भी जुड़ें, और उनके जितने पेजेस हैं सोशल मीडिया पर आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।